हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरलीन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ मैजिकल नंबर्स, कुछ और मैजिकल नंबर्स। इनफैक्ट बिकॉज बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो मैंने आपको अपने वीडियोस में बताए हैं और आप यूज़ भी कर रहे हैं, बिकॉज मुझे मेल भी आती है, फ़ोन कॉल भी आते हैं। आज फेस्टिवल भी है, करवा चौथ भी है और बहुत सारे फेस्टिवल अब आ रहे हैं आगे, तो फेस्टिवल सीज़न तो शुरू है, तो टाइम तो कम है ही आपके अपने लिए। आप बहुत बिज़ी हैं क्लीनिंग ऑफ योर हाउस और फेस्टिवल्स की तैयारी में, तो अपने लिए टाइम कैसे निकालें एक तो वो बताऊंगी, कैसे मॉर्निंग में उठ के आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें नेगेटिव एनर्जीज से, बिकॉज़ इस वक्त आपका घर भी बहुत अच्छा दिख रहा है, आप भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो नज़र लगना तो बनेगा ही। तो आपको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपने घर को प्रोटेक्ट करना है, अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो उनको कैसे चार्ज करना है। जैसे आप हर चीज़ की सफाई कर रहे हैं तो वो क्रिस्टल्स में जो नेगेटिविटी है उसको भी तो दूर करना है। और बाकी स्विच वर्ड्स, कुछ मैजिकल वर्ड्स तो आपको मैं दूंगी 4-5 प्रॉब्लम्स के लिए, तो उनको भी नोट कीजिए और आगे की वीडियोज़ भी देखते रहिए और आप मुझे बताते भी रहिए कि आपको किस चीज़ के लिए नंबर चाहिए और क्या ऐसा क्या क्या चीज़ है, कि कौन सी थेरेपी आपने यूज़ की है जिससे आपको फ़ायदा भी हुआ है, बिकॉज़ ये वीडियोस मैं आपकी हेल्प के लिए ही बना रही हूँ। ये सब आपकी हेल्प के लिए है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, आप मुझे बताएंगे, आप शेयर करेंगे तो मैं ज़रूर एज अ मोटिवेशनल फैक्टर होगा वो मेरे लिए और मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें नज़र से, नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचाया जाए अपने आप को। नज़र सबको लगती है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल से भी आप अपने आसपास एक शील्ड बना सकते हैं। अगर क्रिस्टल नहीं है तो आप क्या करेंगे, घर में अगरबत्ती है, आपका मंदिर है या जिस जगह पे आप प्रेयर करते हैं वहाँ पे अगरबत्ती या दिया जला के गॉड की प्रेयर करके उनकी ब्लेसिंग्स के साथ आपने क्या करना है, इमेजिन करना है कि आपके बॉडी के चारों तरफ एक शील्ड है और आप उस शील्ड में प्रोटेक्टेड हैं। ये 2 मिनट का ही काम है, बिकॉज फेस्टिवल सीज़न ऐसा है कि आपको टाइम भी नहीं मिलने वाला है अपनी हीलिंग के लिए, तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने घर के लिए कर सकते हैं, आपको विजुलाइज़ करना है कि आपके हाथ में आपका घर है और उसके आसपास उसके चारों तरफ शील्ड है। तो है तो ही रेकी शील्ड, बट अगर आप उसको प्रेयर करके आप गॉड के सामने जाके अगर आप बोलेंगे कि हमें प्रोटेक्ट कीजिए, हमारे घर को प्रोटेक्ट कीजिए, तो ऐसे एक शील्ड रेडी होगी जो बुलाने पे आती है। तो आप क्रिस्टल के साथ भी कर सकते हैं, आप अगरबत्ती जला के भी कर सकते हैं, दिया जला के भी कर सकते हैं भगवान के आगे। तो ऐसा आपको प्रोटेक्शन रोज़ करना है, ऐसा नहीं कि आज किया और फिर 1 वीक के बाद किया, डेली अगर आप 11 डेज 21 डेज करेंगे तो आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग होने लगेगा, आपको जल्दी से किसी की नज़र नहीं लगेगी। क्रिस्टल्स, आपके पास क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल हैं, अगर आपके पास क्रिस्टल है उसको चार्ज कैसे करना है, ये रोज़ क्वार्ट्ज है, तो इसको आपने ओवरनाइट सॉल्ट वाटर में डिप करना है, आप रात भर उसको पानी में रखिए। अगर फुल मून डे है तो आप फुल मून में भी रख सकते हैं वो बाउल पानी का, उसमें क्रिस्टल होगा तो वो चार्ज होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो सॉल्ट वाटर में डिप करके मॉर्निंग में उठ के उसको फ्रेश वाटर में वॉश कर दीजिए, ऐसे ही नॉर्मल पानी के नीचे आप उसको वॉश करेंगे। उसके बाद आप अगरबत्ती कर सकते हैं इसके ऊपर, आप दिया कर सकते हैं, आप धूप कर सकते हैं, और आपको क्या बोलना है कि मेरा क्रिस्टल बिल्कुल प्योर है और क्लीन है, सॉल्ट ने नेगेटिविटी रिमूव कर दी, बट आप भी ये बोलेंगे, उसके बाद आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं दिवाली पे, अभी जो फेस्टिवल सीज़न चल रहे हैं, तो आप ये सब प्रोटेक्शन पहले से ही करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं वो नंबर्स की जिनकी आप वेट कर रहे हैं। मुझे कई बार मैसेज भी आए हैं तो मैं कोशिश करती हूँ उनको पढ़ने की और मैं पूछती हूँ कि कौन सा मैसेज आज किस चीज़ के लिए नंबर मांग रहे हैं। तो जो ज़्यादा आजकल नंबर्स की डिमांड है, जी जो प्रॉब्लम्स चल रही है उनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में इस वक्त बहुत सारी ये प्रॉब्लम चल रही है कि उनका वेट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली बच्चों का, जिनका जितना होना चाहिए उतना नहीं है। माना जाता है अच्छा है, बच्चा बहुत अच्छी ग्रोथ है, अच्छा वेट है,
बट ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप ज़रूर ये नंबर यूज़ कीजिए। आप बच्चों की पानी की बॉटल पे ये नंबर लिख लीजिए, बिकॉज़ वो हाथ पे नहीं लिख पाएंगे, और आप उनके बिहाफ पे चैंट कीजिए उनके लिए। तो ये नंबर नोट कीजिए, द नंबर इज़ 1236115। ये नंबर आप यूज़ करेंगे डेली, ब्लू पेन से ही लिखना है, किसी और पेन से नहीं लिखना है, ब्लू पेन से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वेट गेन की। ऐसा भी प्रॉब्लम चल रही है कि बच्चों का वेट गेन नहीं हो रहा है, वो कुछ खा नहीं रहे हैं, तो कैसे वेट गेन किया जाए, इसके लिए भी आप ये ज़रूर नंबर यूज़ कीजिए। और मैं बताऊँगी आपको कि 99% आपको फ़र्क दिखेगा। कुछ परसेंट ऐसा होता है कि आप चैंट नहीं कर पाए, यूज़ नहीं कर पाए, या एक दिन यूज़ किया, दो दिन यूज़ किया, रेगुलर यूज़ नहीं कर पाए, अदरवाइज़ ये 100% रिजल्ट देते हैं। तो वेट गेन के लिए नंबर लिखिए 5282698। बच्चों के लिए नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकता है इसको, बट आप बच्चों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देन इज किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम भी काफ़ी बढ़ रही है, तो उसके लिए नंबर है 6843833। दिस इज़ फॉर किडनी स्टोन। आप ये किसी को भी दे सकते हैं, आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप ये वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज़ यू नेवर नो कि ये किसी को कोई इनमें से कोई प्रॉब्लम है और वो इसको यूज़ कर पाएंगे, और वो आपको भी थैंकफुल होंगे कि आपने वीडियो शेयर किया। अर्थराइटिस के लिए ये प्रॉब्लम बहुत बहुत इस वक्त सिवियर है। अर्थराइटिस प्रॉब्लम सबको है, तो 3441323 ये नंबर है। अब जब हम नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो एक और नंबर देती हूँ, जेलेसी। बहुत सारे लोग आजकल सबसे ही जेलेसी रखते हैं, सबको सबसे प्रॉब्लम है अपनी अच्छी चीज़ों से, तो किसी को खुशी भी नहीं है। तो उसके लिए आप ये नंबर यूज़ कीजिए 2134692। ये नंबर आप हमेशा अपने साथ रख के जाइए, ब्लू कलर से आप लिखिए, आप अपने हाथ पे, आर्म पे, कहीं भी लिख सकते हैं बॉडी पार्ट पे, और उसको चैंट भी करते रहिए। इस नंबर को याद कर लीजिए और आप कुछ दिन उसको रोज़ चैंट करते रहेंगे। तो ये थे आपके लिए नंबर्स, कैसे फेस्टिवल सीजन में अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए, बिकॉज टाइम नहीं है मेडिटेट करने का, और कैसे अपने घर की जब आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो कैसे उसको प्रोटेक्ट करें, और कैसे अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे बताते रहिए कि आपको किस टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सा टॉपिक आप सुनना चाहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।